साइबर ठगों ने हर आम और खास को परेशान करके रख दिया है। आए दिन ये खबर निकल के सामने आती है कि साइबर ठगी के शिकार कोई ना कोई हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि जब आम आदमियों के अलावा जब खास लोग साइबर ठगी के शिकार होते हैं तो मामला तूल पकड़ लेता है। आपको बता दें कि राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसा थाना नहीं है जहां रोज किसी ना किसी व्यक्ति की शिकायत आती है कि वो साइबर ठगी का शिकार हुआ है। ऐसे में हम बात कर रहे हैं एक माननीय का। बिहार में महागठबंधन की सरकार और महागठबंधन के एक विधायक के साथ ये फर्जीवाड़ा हुआ है। दरअसल ये राजधानी पटना का मामला नहीं बल्कि गया का मामला है और यहाँ पे जो माननीय ठगी के शिकार हुए हैं वो एक जनप्रतिनिधि है, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं और उनके साथ ये ठगी हुआ है। पूरा मामला आपको बता दें कि पूरा मामला गया का है। गया के सिरघाटी से जो विधायक है आरजेडी के मंजू अग्रवाल, उनके साथ ये फर्जीवाड़ा हुआ है। दरअसल मंजू अग्रवाल अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस एक एजेंट के माध्यम से कराई थी लेकिन उनके गाड़ी का जो इंश्योरेंस हुआ था वो फर्जी तरीके से हुआ था। एजेंट ने इंश्योरेंस के पेपर में जो गड़बड़ी की थी उसका खुलासा तब हुआ जब मंजू अग्रवाल के गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ कुछ दिन पहले और इस एक्सीडेंट के बाद मंजू अग्रवाल तमाम कागजात को जमा करने के लिए एजेंसी पहुंची और जब वहां पेपर वेरिफिकेशन हुआ तब इनको मालूम पड़ा कि इनके गाड़ी के साथ जो इंश्योरेंस इनके साथ किया गया था उसमें भारी फर्जीवाड़ा हुआ है, जो इंश्योरेंस है वो फर्जी है। इसके बाद मंजू अग्रवाल ने एजेंट के ऊपर जो इंश्योरेंस किया था उसके ऊपर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है और तब जाकर यह मामला सामने आया। आपको बता दें कि साइबर ठगी के शिकार हर आम और खास हो रहा है। सोशल मीडिया से लेकर आपके अकाउंट तक और आपको फर्जी कॉल करके कई तरीके के प्रलोभन दिया जा रहा है जिसके शिकार हर कोई हो रहा है। लेकिन इस बीच अगर माननीय भी साइबर ठगों के निशाने पर आ जाएंगे तो फिर किसी आम आदमी की क्या दिशा। अब आपको बताते हैं कि आरजेडी के विधायक मंजू अग्रवाल ने जिस तरीके से इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और फिर यह मामला थाना पहुंचा जहां उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, उसके बाद से पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि अब तक मंजू अग्रवाल की शिकायत पर कोई ठोस जो कदम है पुलिस ने अब तक नहीं उठाया है और न ही इस पूरे साजिश का पर्दाफाश हुआ है। लेकिन अगर आप भी अपने गाड़ी का इंश्योरेंस करवा रहे हैं या फिर अपने गाड़ी से जुड़े कागजात को बाहर कहीं पे बनवा रहे हैं तो कृपया इस बात का ध्यान जरूर दें कि आपके गाड़ी का जो कागजात बनाने वाली जो एजेंसी है या जो भी एजेंट अभी करता है वो पूरी तरीके से प्रमाणित है या नहीं, अन्यथा आप भी इस तरीके के सगी के शिकार हो जाएंगे। ये तमाम लोगों को समझने की जरूरत है कि आजकल के दौर में किस तरीके से साइबर अपराध बढ़ रहा है। ऐसे में हर व्यक्ति को सचेत रहने की आवश्यकता है, चाहे वो ऑनलाइन किसी तरीके से फॉर्म भरने की बात हो या फिर अपने बैंक खाते से जुड़े किसी भी जानकारी को साझा करने के मामले में। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।